जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी दो अंकों की संख्या का स्क्वायर करना हो तो कम से कम समय में किसी भी दो अंकों की संख्या का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। आइए बात को समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको 16 का स्क्वायर करना है, तो 16 का अगर स्क्वायर करना हो तो किस तरीके से करना है। देखिए, कोई भी दो अंकों की संख्या हम बोल रहे हैं, सिर्फ दो अंकों की संख्या की हम बात कर रहे हैं। दो अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 10 से, और समाप्त कहां पर होती है, तो 99 पर। तो 10 से 99 तक में अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है तो जो हम तरीका बताने जा रहे हैं उससे आप कम से कम समय में उसका स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब किसी भी दो अंक की संख्या का स्क्वायर करना हो तो आराम से आप कर सकते हैं, ये काफी आसान होता है। अच्छा, यहां पर समझिए कि अगर 16 का स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे। आप बताइए कि 6 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए, कम से कम 1 से लेकर 9 तक तो सबको स्क्वायर याद होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। इतना तो सबको याद होता है। अब यहां पर बात को समझना है कि एक ये 16 का स्क्वायर निकालना है तो कहेंगे कि 6 का स्क्वायर कितना हुआ, तो कहेगा सर 36, तो 36 ऐसे लिख दीजिए। ठीक, अब यहां पर 1 का स्क्वायर कितना हुआ, तो कहेंगे सर 1, तो 1 ऐसे लिख दीजिए। ठीक, अब यहां पर अगला स्टेप समझिएगा। ये 1 है तो यहां पर लिखिएगा 1, बात को समझिए, 1 है तो 1 लिखे, फिर गुना। ये 6 है तो 6 लिखे, फिर गुना। ये 2 है तो 2 लिखे। हम कहां कहां से ये चीज लिखे हैं, बात को समझिए। ये 1, ये वाला 1 लिखे हैं, ये वाला 6 लिखे हैं और ये वाला 2 लिखे हैं। अब गुना कर देना है सबको, 6 गुना का 12, 12 एकम 12, गुना करेंगे तो 12 आएगा। अब इस 12 को उठाकर इसमें जोड़ना है, लेकिन जोड़ना भी कैसे है इसको समझिए। ये जो इकाई वाला स्थान है इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, और इधर आपको जितना जो आ रहा है यहां पर गुणा करने के बाद उसको लिख दीजिए। जैसे 12 आया तो यहां पर 12 लिख दीजिए। ठीक, इकाई स्थान पर खाली रहेगा, वहां कुछ नहीं लिखना। अब 6 इसको आप काट कर जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर इसमें से जो आ रहा है उसमें से कुछ नहीं लिखना, इधर लिखना, दहाई से आपको स्टार्ट करना। कहेंगे कि ये 6 है तो 6, अच्छा 3 और 2 कितना, कहिएगा 5, 1 और 1 कितना, 2। ये 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। 16 का स्क्वायर 256। बहुत सारा एग्जांपल करेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मान के चलिए कि हमको 24 का स्क्वायर करना है, 24 का स्क्वायर करना है, तो अगर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कहिएगा कि 4 का स्क्वायर कितना, 16, अच्छा 2 का स्क्वायर कितना, 4। अच्छा, इसके बाद क्या करना है कि ये वाला 2 लेना है, ये वाला 4 लेना है और ये वाला 2 लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, 2 चौके 8 और 8 गुना का कितना हो गया, 16। अच्छा, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं लिखना, बाकी जो बचा उसमें उठाकर इसको जोड़ दीजिए, जो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है उसको उठाकर यहां जोड़ दीजिए। 6 है तो 6 यहां लिख दीजिए, 1 और 6 कितना हो गया, 7, 4 और 1 कितना हो गया, 5। 576, ये आपको 24 का स्क्वायर है। उम्मीद करते हैं कुछ कुछ बात समझ में आ रहा होगा। अभी और आगे समझिए, बहुत सारा एग्जांपल हम लोग करने वाले हैं। एक बात अभी यहां थोड़ा गहराई से समझिएगा, जैसे हम 12 का स्क्वायर करने जा रहे हैं, 12 का स्क्वायर करने जा रहे हैं, सुनिएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा तो कभी भी इस वाले अंक पे, जो इकाई वाले स्थान पर जो अंक होगा जिसका आप स्क्वायर करेंगे, दो अंकों की संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो दो अंकों की संख्या का जो इकाई स्थान पर जो अंक है उसका अगर स्क्वायर करिएगा, और स्क्वायर करने के बाद अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है स्क्वायर तो उसको हमेशा डबल डिजिट में लिखिएगा, माने 4 आया तो लिखिएगा 04। तो यहां क्या लिखना है, 04। जैसे यहां मान के चलिए 13 रहता तो 3 रहता, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 नहीं लिखते, 09। ठीक है, यहां मान के चलिए रहता 11, तो 11 का इकाई अंक 1 है, तो 1 का स्क्वायर यहां 1 नहीं लिखते, 01। ये बात समझ में आ रहा है, आ रहा है सर। अच्छा, अब बात को समझिए, यहां कहेंगे कि ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर 04 और 1 का स्क्वायर 1, फिर अब जो प्रक्रिया था वो सेम चलेगा। यहां कहेंगे ये वाला 1 गुना का ये वाला 2 और गुना का ये वाला 2, गुना कर दीजिए, कहेंगे कि ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, गुना करेंगे तो 4 आएगा। अच्छा, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं लिखना, बताए थे ये 4 जो आया इसको यहां पर जोड़ दीजिए, कहेंगे 4 4 और 1,
ये 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए एक आध एग्जाम्पल इस पर और लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमको 32 का स्क्वायर करना, 32 का स्क्वायर करना है सर। इन 32 में यहां पर इकाई के स्थान पर सबसे पहले इसका स्क्वायर करिए। दो का स्क्वायर कितना? चार। लेकिन चार कोई सिंगल डिजिट में आ रहा है, डबल डिजिट में लिखिए, चार नहीं 04 लिखना। अच्छा, तीन का स्क्वायर 9, कोई दिक्कत? अब गुना कर दीजिए, 3 गुना का 2, एक गुना का ये वाला भी 2, तो कहेंगे 3 दुना का 6 और 6 दुना का 12। इकाई वाला स्थान छोड़कर बाकी लिख के जोड़ दीजिए, कहेंगे 4 2 और ये 10, 32 का स्क्वायर कितना हो गया? 1024। आप किसी भी दो अंक की संख्या का इस तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे हम कोई बड़ा बड़ा संख्या लेते हैं, समझना है बात को ध्यान से। जैसे मान के चलिए कि हमको 47 का स्क्वायर निकालना है, 47 का स्क्वायर, तो 47 का स्क्वायर निकालेंगे तो कहेंगे 7 का स्क्वायर कितना? तो कहना 49। ये ऑटोमेटिक डबल डिजिट में है, स्क्वायर किए डबल डिजिट में नहीं आया तब जीरो लगाकर लिखिएगा, स्क्वायर किए डबल डिजिट में आ गया तब जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं। अब कहेंगे 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर कितना? तो कहिएगा सर 16। अब इसके बाद इकाई वाले स्थान पर कुछ नहीं लिखना, आगे का प्रक्रिया क्या? 4 7 28 और 28 गुना का 56, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। कहना ये 4 गुना का कितना? ये वाला 7, और 7 गुना का कितना? ये वाला 2। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28 और 28 गुना का कितना हो गया? 56। यहां जोड़ देंगे इकाई वाला स्थान छोड़ के, कहिएगा 9 है तो 9, 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल 1, 6 और 5 11, 11 और 1 12 की 2 हासिल 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2। 47 का स्क्वायर कितना हो गया? 2209। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 4 गुना का 7 गुना का 2, 4 7 28 गुना का 56, इकाई वाला स्थान छोड़कर बाकी लिख देना है, उसको जोड़ देना है, 9 है तो 9, 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 6 और 5 11, 11 और 1 हासिल 12 का 2 हासिल फिर 1, 1 और 1 2। ये बात क्लियर हो रहा? इस तरीके से कोई भी संख्या का आप निकाल सकते हैं सर, कोई भी संख्या हो जाए। जैसे हम ले रहे हैं अगली संख्या 59 का स्क्वायर निकाल रहे हैं सर, 59 का स्क्वायर, तो कहेंगे 9 का स्क्वायर कितना? तो कहिएगा 81। ये 5 का स्क्वायर कितना? कहिएगा 25। ठीक है, अच्छा अब इसको गुना कर दीजिए, 5 × 9 × 2, 5 × 9 × 2, 5 × 9 = 45 और 45 गुना कितना हो गया? 90। अच्छा 90 को जोड़ना है लेकिन इकाई अंक छोड़ के जोड़ दीजिए, ये 1, ये 8, ये 9 और 5 14 की 4 हासिल 1, 2 और 1 3, 3481, ये आपको 59 का स्क्वायर हो गया। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? आ रहा है। अच्छा जैसे हम अगली एक संख्या लेते हैं, अगली संख्या, अगले संख्या पर समझना है। जैसे मान के चलिए हम आपको दे दिए 66 का स्क्वायर निकालने के लिए, 66 का स्क्वायर। इस तरीके से आप बहुत सारा संख्या का निकाल सकते हैं, हम बता तो दिए, यही प्रक्रिया लगेगा 10 से लेकर 99 तक की संख्या में, किसी का भी स्क्वायर करिए, ये प्रक्रिया से आपका जो आएगा आंसर वो बिल्कुल एग्जेक्ट आएगा। ठीक, ये 6 का स्क्वायर कितना? कहना है 36। ये भी 6 का स्क्वायर कितना? कहना है 36। अच्छा 6 × 6 = 36, और 36 गुना का 72। अच्छा इसको हटा के 72 इसमें उठा के जोड़ दीजिए, ये 6 हो गया, 3 और 2 = 5, 6 और 7 कितना? 13, और 3 और 1 = 4, 4356 किसका स्क्वायर है? 66 का स्क्वायर है। ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? हो रहा। एक अगला संख्या लिया जाए, अगला संख्या जैसे मान के चलिए हम लेते हैं 72 का स्क्वायर करना, 72 का स्क्वायर करना है सर, बात को समझिए, हम जा रहे हैं 72 का स्क्वायर करने, 72 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे 04 लिखेंगे, बताएं आपको ये 7 का स्क्वायर कितना? 49। अच्छा ये देखिए, अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट गुना करिए, 7 गुना का 14, 14 गुना का 28। अच्छा इसको छोड़ के 28 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया 8, 9 और 2 = 11 की 1 हासिल 1, 4 और 1 = 5, 5184 किसका स्क्वायर है? 72 का स्क्वायर है सर, 72 का। जैसे मान के चलिए आपको निकालना हो 87 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर जो दो अंक में है आप निकालिए इस तरीका से कम समय में आप निकाल सकते हैं सर, प्रैक्टिस जमा लीजिए केवल, कि 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, 8 का स्क्वायर कितना?
64, अच्छा गुना कर दीजिए 8 × 7 = 56, 56 × 2 = 112, इसको छोड़ के 112 जोड़ दीजिए, ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखिएगा, ये 9 है तो 9, ये 4 × 2 = 6, 4 × 1 = 5, 6 × 1 = 7, ये हो गया 87 का स्क्वायर, 7569। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान के चलिए 98 का स्क्वायर निकालना है सर, 98 का, कहेंगे 8 का स्क्वायर कितना, 64, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर हो गया 64, इन 9 का स्क्वायर कितना, कहेंगे सर 81, अच्छा अब गुना कर दीजिए 8 × 9 = 72, 72 × 2 = 144, इसको छोड़ के बाकी जगह 144 लिख के आपस में क्या कर देना, जोड़ देना, ये कितना हो गया 4, 6 × 4 = 10, हासिल 1, 4 × 1 = 5, हासिल 6, 8 × 1 = 9, 98 का स्क्वायर कितना हो गया 9804। ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आप भी इस तरीके से कोई भी 2 अंक का संख्या लेकर बहुत सारी संख्याओं का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 2 अंक में है, जो 2 अंक में है सर, 2 अंक की किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकालिए, इस तरीके से आराम से निकलेगा। जैसे 91 का स्क्वायर करना है सर, 91 का स्क्वायर, तो कहिएगा 1 का स्क्वायर कितना, 1, लेकिन लिखना क्या है 01, 2 डिजिट में, अच्छा ये कितना हो गया 9 का स्क्वायर 81, अब गुना करिए 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 18 आया लेकिन एक अंक छोड़ के, यहाँ कुछ नहीं लिखना इकाई के स्थान वाले पर, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया और ये 8 हो गया, 91 का स्क्वायर कितना हो गया 8281, विद इन सेकंड कर सकते हैं सर आप, विद इन सेकंड कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 99 का स्क्वायर करना है सर, 99 का, कहेंगे 9 का स्क्वायर कितना 81, ये 9 का स्क्वायर कितना 81, अच्छा 9 × 9 = 81, 81 × 2 = 162, अब 162 आया तो इसको छोड़ के लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, 1, 8 × 2 = 10, हासिल 1, 6 × 7 = 1, हासिल 8, 8 × 1 = 9, 9801, किसका स्क्वायर आ गया 99 का स्क्वायर आ गया सर। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर कोई भी 2 अंक की संख्या दे दी जाए तो आप उसका स्क्वायर विद इन सेकंड निकाल देंगे, कुछ ही सेकंड में आप उसको निकाल देंगे।